तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिल उठती है कसक कर धक धक कब होगा मिलन आजा। दोस्तों गलतियां करना तो इंसान की फितरत होती है। आम आदमी गलतियां करते हैं तो वो आसानी से छिप जाती हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज गलतियां करते हैं तो वो पूरी दुनिया को दिख जाती हैं। अब वो बेचारे भी क्या करें, ग्लैमर्स की दुनिया में रोशनी ही इतनी ज्यादा होती है कि उसमें किसी भी चीज को छिपा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। अब इन लोगों के दिलों में धड़कने वाली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी इससे बच नहीं पाई है। आज माधुरी दीक्षित श्री राम नेने के साथ शादी करके खुश है, लेकिन वो कई बार गलत कारणों से सुर्खियों में आकर लोगों को चौंका चुकी है। तो जानते हैं माधुरी की जिंदगी की वो गलतियां जिन पर उन्हें पछतावा तो जरूर होता होगा। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी माधुरी दीक्षित को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अनिल कपूर के साथ अफेयर। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी 80 के दशक की सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी। दोनों ही सितारों ने परिंदा, रामलखन जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया था। खबरों की माने तो उस समय माधुरी और अनिल काफी अच्छा रिलेशन शेयर कर रहे थे, जो दोस्ती से बढ़कर था। हालांकि दोनों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर साल 1999 में माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर अपना घर बसा लिया। जूही चावला और श्रीदेवी के साथ कंपटीशन। कहा जाता है कि इन सब में कट्टर दुश्मनी थी और ये दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल थी। ये तीनों एक दूसरे को अपना कंपटीटर मानती थी। पहले ये कंपटीशन चल रहा था माधुरी और श्रीदेवी के बीच, जहां श्रीदेवी की ठुकराई हुई बहुत सी फिल्में माधुरी दीक्षित को एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा बना रही थी। श्रीदेवी की ठुकराई हुई फिल्म बेटा से ही माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कहा जाता है। कॉफी विद करण पर आकर जूही और माधुरी ने कहा भी था कि जो कंपटीशन की बात चल रही थी वो पूरी तरह से बचकानी हरकत थी। महाराष्ट्र फ्रेंड ऑफ अम्बेसडर, यहाँ उन्हें इस बात पर कहा गया कि हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे महाराष्ट्र की ब्रांड अम्बेसडर बन जाएं। तो उस समय माधुरी ने 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और जब ये खबर वायरल हुई तो इसके बाद माधुरी ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी था। माधुरी दीक्षित की कंट्रोवर्सी अमिताभ बच्चन के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बहुत बड़े स्टार थे और उनके साथ हर कोई काम करना चाहता था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक फिल्म इन दोनों की उसके बाद सामने जरूर आई थी और ये फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां। लेकिन उससे पहले माधुरी दीक्षित बहुत सी फिल्मों को ना कहती हुई नजर आई। संजय दत्त के साथ इश्क। बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त के साथ कई फिल्में की थी। उसके दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा था। ये प्यार इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि दोनों शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। लेकिन जब संजय का नाम मुंबई बम धमाकों में आया तो माधुरी दीक्षित के परिवार वालों के कारण माधुरी ने संजय के साथ रिश्ते को खत्म कर दिया। इस प्रकार रियल लाइफ की ये जोड़ी रियल लाइफ में हिट नहीं हो पाई। विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन। दोस्तों इन दोनों ने एक फिल्म में एक किसिंग सीन किया था और इस सीन को बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा वल्गर किसिंग सीन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस सीन के समय पर विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित बेकाबू हो गए थे और कट करने के बावजूद भी सीन को इन दोनों ने नहीं रोका था और इस वजह से माधुरी काफी बार ट्रोल भी हुई थी और हर जगह उनकी बदनामी हुई। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान से फिल्म के इस सीन को हटाने की डिमांड की, लेकिन फिरोज खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो दोस्तों माधुरी दीक्षित की जोड़ी आपको सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।